नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। और बात करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल के बारे में। मार्केट क्लोज होने के बाद में काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ आया, जिस वजह से कल के दिन हमको नहीं फोकस स्टॉक देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो ये अपडेट क्या है? तो देखिए, कोरोमंडल इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है कोरोमंडल केमिकल्स है। इस कंपनी ने एक कंपनी के अंदर ना अपना स्टेक बढ़ाया। इस कंपनी का नाम क्या है? तो BMCC है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसको फुल फॉर्म अगर बात करोगे तो इसका नाम है बॉम्बई माइनिंग एंड केमिकल कॉरपोरेशन है। इसके अंदर इन्होंने ना 8.82% स्टेक बढ़ाया है। पहले और अभी का मिलाकर अगर बात करूँ तो ये स्टेक ना 53.8% का हो चुका है। मतलब कंट्रोलिंग स्टेक जो है इस वक्त ना कोरोमंडल इंटरनेशनल के पास आ चुका है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, कल के दिन जो है ना यहाँ पे फोकस स्टॉक रहेगा, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी अच्छा है। और अभी टेक्निकल को लेकर बात करें तो देखिए, स्टॉक ना काफ़ी टाइम से ना एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ था तब ये 1200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, तब से कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दिया 1700 से 1750 रुपये तक का। अभी थोड़ा ये जा रहा था करेक्शन करने के लिए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ निकले। कल के दिन यहाँ पे न्यूज़ का मतलब आज के दिन अच्छा न्यूज़ आया, जिस वजह से कल के दिन यहाँ पे ना थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट जरूर देगा। 1700 रुपये का पहला टारगेट रहेगा। फिर बाद में यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पे हमको ना एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने मूड बना लिया कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो रहेगा 1600 रुपये तक का हमको देखने को मिल सकता है। एक बार 1600 के लेवल पे आ जाता है तो फिर यहाँ पे दोबारा अपसाइड का मूवमेंट बनाता है, तो 1700 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 1800 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशंस आपको बताया हम। चैनल पहली बार आता सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाय सेल को रिकमेंडेशन जो